वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए उस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना सीढ़ी पर चढ़े, बिना स्टूल पर चढ़े हम पंखे की सफाई कैसे करें। तो बस पंखे की सफाई के लिए मैंने एक पुराना सा हैंगर ले लिया है और हैंगर को हमें खोलना है। तो देखिए मैं अभी आपको हैंगर को खोल कर दिखा रही हूँ। कुछ सेकंड में ही हैंगर का ये जो मुंह है ये खुल जाता है और हैंगर का ये जो लूप बना हुआ है उसे हमें स्ट्रेट करना है। एक बार आप ये पंखा साफ़ करने का बना कर रख लें, आपको बार बार इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महीने में एक बार हमें अपने पंखे की सफ़ाई ज़रूर करना चाहिए। एक टॉवेल लिया है, पुराना टॉवेल है जिसमें 8-10 बारीक बारीक छेद हो गए हैं, तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो जब भी आप इसे बनाएं तो मोटा कपड़ा लें, यदि टॉवेल का कपड़ा है तब तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप कॉटन की मोटी बेडशीट ले सकते हैं। ये जाला निकालने वाली झाड़ू है दोस्तों, तो उसका मैंने ऊपर का हिस्सा अलग कर दिया है क्योंकि हमें एक रॉड की ज़रूरत है। यदि आपको रॉड नहीं मिलती है तो आप अपने वाइपर की जो डंडी होती है वो ले सकते हैं या कोई भी वुडन स्टिक भी ले सकते हैं, क्योंकि पंखे तक जो डंडी पहुंच सके, जो स्टिक पहुंच सके हमें वो लेना है। तो हैंगर का जो गोल हिस्सा था उसे मैंने इस तरह से सीधा कर दिया, स्ट्रेट कर दिया है, क्योंकि इसमें हमें अभी इस रॉड को फंसाना है। तो बस इस तरह से सीधा कर लीजिए और साथ ही मैंने यहाँ पर सेलो टेप लिया है, कैंची की ज़रूरत पड़ेगी और एक हमें चाहिए कोई भी मोटी सुतली या मोटा नाड़ा जिसे कह सकते हैं आप, मजबूत होना चाहिए ताकि अच्छी तरह से होल्ड कर सके। तो बस अब इस टॉवेल को मैंने सीधा रख दिया है और इसकी हमें थोड़ी सी चौड़ी पट्टी काटना है। ये देखिए एक बार मैंने इसे फोल्ड किया, दोबारा फोल्ड किया, मतलब इतनी चौड़ी आपको पट्टी काटना है। एक बार फोल्ड, ये सेकंड फोल्ड और अब हम इसकी बिल्कुल सीधी पट्टी काट लेंगे। पूरी टॉवेल की लंबाई के बराबर ही हमें पट्टी को काटना है। जितना अच्छा मोटा कपड़ा होगा उतनी ही अच्छी पंखे की सफाई हो पाएगी। और कॉटन का ही कपड़ा लें। तो बस इस तरह से मैं पूरी लंबी पट्टी को काट लूँगी और बाकी का टॉवेल आप दूसरे किसी काम में ले सकते हैं। बस एक बार इस पट्टी को तैयार करके रख लें और हमेशा इसी से ही आप पंखे को साफ़ करें। तो पट्टी आपको खोल के दिखा रही हूँ, इतनी चौड़ी हमारी पट्टी होना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसे हमें लगाना कैसे है। तो हैंगर के एक सिरे से हम इस पट्टी को नापना शुरू करते हैं और दूसरे सिरे तक के हम इसे नापते हैं। इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। जितना अच्छा ज़्यादा कपड़ा होगा उतनी अच्छी चुन्नट आएगी और पंखे की ब्लेड की सफाई बहुत ही अच्छी तरह से होगी। इस तरीके से हम पंखे की ब्लेड की ऊपर से सफाई और नीचे से भी सफाई कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कितनी चौड़ी पट्टी है। तो डबल फोल्ड करने के बाद बस सुई और धागा लेना है और मोटे मोटे हमें टांके लगाना है। आप ये मत सोचिए कि अरे आपको बहुत ज़्यादा सिलाई करना है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ मोटे मोटे टाँके लगाएं। आधा आधा इंच की दूरी पर ही आपको टाँके लगाना है ताकि ये पट्टी सिर्फ एक मिनट के अंदर ही सिल जाए। तो इस तरह से सुई धागे से मैं मोटे मोटे टाँके लगाती जा रही हूँ और पट्टी को सिलती जा रही हूँ। तो बस पट्टी को पहले मैंने इसी तरह से फोल्ड कर लिया है और पूरी पट्टी को मोटे टांके लगाकर सिल लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही दूर दूर मैंने टांके लगाए हैं क्योंकि हमें इसे हैंगर पर पहनाना है। अब हैंगर का जो खुला हुआ हिस्सा है उसे हमें इस पट्टी में डालना है, ये देखिए। और बस इस पट्टी को हमें पूरे हैंगर में पहनाना है। आप इसे अंदर डालते जाएँ और साइड में सरकाते जाएँ ताकि पूरे हैंगर में ये पट्टी आ जाए। आप इस उपाय से एक बार पंखे की ब्लेड को साफ़ करके देखें, आप देखेंगे आपका पंखा बिल्कुल नए के जैसा ही चमकदार हो जाएगा। और जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों तो आप हैंगर को खोलकर इसकी पट्टी वापस निकाल के धोकर रख सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरह से अपने घर के पंखे को साफ़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमने इसे बना लिया है, पूरी बिल्कुल फ्रिल सी आ गई है इसमें। तो अच्छा है दोस्तों, जितना अच्छा ये मोटा गफ बनेगा उतनी ही अच्छी बारीकी से पंखे की सफाई होगी। और अब जो हमने इसका हुक जो है हैंगर का जिसे स्ट्रेट किया था दोस्तों,
तो सबसे पहले तो मैं इसे इसके मुंह को बंद कर दे रही हूँ, लॉक लगा दिया है मैंने। और ये जो हमने रॉड ली थी, आप लकड़ी की डंडी भी ले सकते हैं, उसे हमें इस पे बहुत अच्छी तरह से सेट करना है, बांधना है। तो आप चाहें तो सेलो टेप से बांध सकते हैं, आप चाहें तो कोई मजबूत सा नाड़ा ले सकते हैं, डोरी ले सकते हैं, थोड़ी मजबूत लीजिए। और बिल्कुल टाइट हाथों से हमें इसे गोल घुमाते घुमाते बांधना है, और कम से कम 3 से 4 नॉट लगा दीजिए ताकि इसमें कसावट आ जाए, बिल्कुल भी ढीलापन न रहे, क्योंकि हमें थोड़े से पंखे की ब्लेड को ताकत लगाकर ही रगड़ना पड़ेगा, तो ही उसमें उसकी धूल निकलेगी और उसमें चमक आएगी। तो बहुत, आप देख सकते हैं मैंने पूरी डोरी लपेट दी है और 3 से 4 गठान लगा दी है। तो अब ये जो हैंगर और ये रॉड है, ये आपस में बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं। थोड़ा सा मैंने इसे पास कर दिया ताकि ब्लेड के ऊपर और नीचे चारों तरफ से ये सफाई कर सके। तो देखिए, दिखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है जिसे हमने पंखे की ब्लेड साफ़ करने बनाया है। थोड़ा सा पानी लिया है, इस पानी में आप चाहें तो आधा चम्मच विनेगर मिला सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा तारपीन का तेल भी मिला सकते हैं, कुछ ड्रॉप मैंने तेल की डाली है। और इससे भी आप पंखे की ब्लेड को साफ़ करें तो बहुत ही अच्छी चमक आती है पंखे की ब्लेड में। अब जो हमने पंखा साफ़ करने का बनाया है, इसे इस पानी में हल्का सा डुबाने के बाद आप हाथों से इसे निचोड़ जरूर लें, नहीं तो इसके कुछ बूंदें पानी की टपकने लगेंगी। तो बस इसे लेना है और अच्छे से इसे निचोड़ देना है, और एक एक करके सभी ब्लेड को हमें साफ़ करना है। तो पूरी ताकत से मैंने इसे अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक एक करके पंखे की तीनों ब्लेड को किस तरह से साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसे पंखे पर फंसाया है, इससे पंखे के जो ऊपर का हिस्सा है, जो छत की तरफ का है, वो भी साफ़ हो रहा है, साथ ही साथ पंखे की ब्लेड का सामने वाला हिस्सा भी साफ़ हो रहा है। तीनों ब्लेड में एक एक बार हमें इसे फंसाना बहुत आसानी से फंस जाता है, क्योंकि दोनों हैंगर की रॉड के बीच में काफ़ी गैप है और पंखे की ब्लेड में फंसाना बहुत आसान होता है। तो इस तरह से पहले आप चाहें तो धूल झड़ा लें इसकी, उसके बाद आप विनेगर के पानी, तारपीन के तेल, किसी भी चीज़ को पानी में मिलाकर इसे पोंछें, तो पंखे की ब्लेड में चमक भी बहुत अच्छी आएगी। और बाद में आप इस कपड़े को निकाल लें, जैसे मैंने हैंगर का हुक लगाया है, खोल लें और इसे सुखा दें धूप में, और जब अगले महीने आप पंखा साफ़ करें तो वापस इस पट्टी को इसी हैंगर में लगा लें। तो दोस्तों, इस तरह से पंखे को साफ़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये हमारा पंखा बिल्कुल नया चमकदार हो गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।